दुष्यंत बावा और सोन दोनों गुल्ली बुली के घर पर आए हुए हैं। सोन जोर से चिल्लाकर बोलता है, जल्दी आओ गुल्ली बुली, नहीं तो बावा गुस्सा हो जाएंगे, तो पता है ना कि बावा कैसे कमरे में बंद करके मारते हैं। सोन की बात सुनकर बावा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना गुस्सा सोन पर ही उतार देते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली बाहर आते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम कर रहा हो, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। गुल्ली बोलता है सोन से, सोन ये कौन सा फैशन तुमने किया है। सोन बोलता है, तुम नहीं समझोगे गुल्ली, ये सब बाबा का दिया हुआ फैशन है। बुल्ली बोलता है, कौन सी बात है बाबा, जो आपने इतनी जल्दी हम लोग को तैयार होने के लिए बोला, और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बाबा बोलते, हम लोग एक आइलैंड पे जाने वाले हैं, सुना है कि वहाँ पे बहुत सारे खजाने हैं। गुल्ली बोलता है, देर किस बात की, पैसा ही पैसा होगा। सारे लोग गाड़ी पर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं खजाने की तलाश में। बाबा बोलते, तुम लोग उस आइलैंड पे संभाल के रहना, मैंने सुना है कि उस खजाने की रक्षा करने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज और मम्मी है। सोन बोलता, आप टेंशन मत लीजिए बाबा, हमने पहले भी ज़ॉम्बीज और मम्मी का सामना किया है। बाबा बोलते, वही सोचकर तो हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो सब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता, लेकिन बाबा हम लोग इस समुद्र को पार करेंगे कैसे। बाबा बोलते, देखो मेरी शक्तियाँ। बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक नाव ले आते हैं। सारे लोग उस नाव में सवार हो जाते हैं और निकल जाते हैं खजाने की तलाश में। सोन बोलता, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बोलता, डरने की क्या है बात, जब बाबा लंगोटे लाने हमारे साथ। थोड़ी ही देर में सारे लोग आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। बाबा बोलते हैं, अगर तुम लोग को कुछ भी करना है तो यहीं पर कर लो, क्योंकि अगर वहाँ जाने के बाद तुम लोग ने खुशठास किया तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। चलो जवानों। सारे लोग आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग जितना सोच रहे हैं कि आइलैंड खतरनाक है, असल में आइलैंड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आने वाला आज तक कोई भी वापस लौट के नहीं गया है। आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई है। बुल्ली हड्डियों को देखकर बोलता है, बाबा मुझे तो लग रहा है कि हम लोग का भविष्य है। बाबा बोलते हैं, ये लोग भी आए थे शायद खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन बेचारे मौत के घाट उतर गए। तुम लोगों को तो पता चल गया होगा कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है। बुल्ली बोलता, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग खजाना ढूंढते हैं। सारे लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। सारे लोग छिप करके देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये सारे तो ज़ॉम्बीज हैं। बाबा बोलते, यही लोग हैं जो खजाने की रक्षा करते हैं, लेकिन आखिरकार ये लोग जा कहां रहे हैं। गुल्ली बोलता, हम लोग इसके पीछे चलकर देखना चाहिए। सारे ज़ॉम्बीज एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, आखिरकार वो लोग पेड़ के पीछे जाकर कर क्या रहे होंगे। सोन बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, अब आप ही कुछ करो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। सारे लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सारे लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी सारे जाकर एक ताबूत के बगल में खड़े हो जाते हैं। तभी उस ताबूत का ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर से एक मम्मी निकलती है। बाबा बोलते, बस इसी की कमी थी, लो अब वो भी पूरी हो गई। वो ज़ॉम्बी निकलती के साथ ही उन ज़ॉम्बी को पटक पटक के मारने लगती है। वो मम्मी बोलती है, तुम लोग को रहते हुए भी हमारे खजाने पे किसी ने गंदी नजर डाल दी है, और तुम लोग को तो पता ही है कि हम लोग के खजाने पे नजर डालने वाले की हम लोग क्या हाल करते हैं। मम्मी की बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। मम्मी बोलती है, हमारे इलाके में कुछ आदमी आ चुके हैं, वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। मम्मी की बातें सुनकर सारे ज़ॉम्बी जंगलों में चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को खोजने लगते हैं। और उनमें से दो ज़ॉम्बी उन चारों की तरफ आने लगते हैं। अरे ये क्या, ये चारों कहाँ चले गए, अरे ये सभी तो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। तभी उसमें से बाबा एक ज़ॉम्बी पे छलांग लगा देते हैं और एक ज़ॉम्बी को वहीं पे ढेर कर देते हैं, और वो दूसरा ज़ॉम्बी बाबा का गर्दन पकड़ लेता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा का, क्या ये चारों खजाने लेकर जा पाएंगे, या फिर ये चारों ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएंगे,
ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट टू में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शॉर्ट आउट दूसरे वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।